प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुरसरिता को और दबाएं बेल आइकन को संगीत से रिलेटेड तमाम वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन शास्त्री और आज का जो भजन है, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बड़ा ही फेमस सा भजन है, बड़ा ही सुंदर सा भजन है और इसको गाने में बजाने में जो आनंद मिलता है बड़ा ही मधुरतम लगता है। तो इसको हम लेकर के चलेंगे अपने पहली काली से। ये होगा हमारा स्केल सी शार्प। तो पहली काली हो गई हमारी सा, फिर मंत्र सप्तक में जो स्वर लगे कोमल नी पा, तो नी और पा मंत्र सप्तक का हो गया। फिर आते हैं आगे सा रे ग, ग दोनों गा का यूज, इस गा का यूज अंतरे में किया गया है, और मा पा धा, तो धा तक ही हमारा ये भजन जाने वाला है। पा नी सा रे कोमल गा शुद्ध गा मा पा धा, तो इसमें जो बजा है एक स्थाई है और एक अंतरा है, और अंतरे में दो तरीके यूज किए गए हैं, तो दोनों तरीकों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको एक बार गा लेते हैं, बजा लेते हैं, क्या है देखते हैं। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ये हमारा स्थाई है, स्थाई हमारा कोमल नी से चला, इसको देख लेते हैं, फिर अंतर की तरफ बढ़ेंगे। क्या नाम है तेरा, ठीक। नाम नाम है तेरा, तो नी सा ग रे सा रे सा नी, और फिर तारणहारा, तारणहारा, तो नी सा ग रे सा, ठीक। नाम है तेरा तारणहारा, इतना हो गया। अब कब तेरा, कब तेरा में कब तेरा सा 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 रे सा नी, कब तेरा, फिर दर्शन होगा, दर्शन होगा, दर्शन होगा। फिर आते हैं लाइन, जिनकी महिमा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, माँ पे चले जाएंगे, जिनकी प्रतिमा मा पा मा गा, जिनकी प्रतिमा, और फिर इतनी सुंदर, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो इतनी सुंदर, इत गागा इतनी, नी पे मा, इतनी गागा मा सुंदर, सुंदर में गा रे सा नी सुंदर, और फिर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, क्या है वो कित नी नी ना सुन सा सा दर होगा, दर होगा यानी गा गा रे रे, और फिर होगा के बाद जो अकार आता है आ,
गा रे सा नी क्या है होगा तो होगा तो हमने बता दिया आकार गा रे सा नी और रिपीट करेंगे वो कितना सुंदर होगा पूरा वो कितना सुंदर होगा। यहाँ पे इसको समाप्त करके फिर आते हैं अंतरे पे। तो इसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ऐसे तमाम वीडियोस पाने के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं लाता रहूं। तो देखते हैं क्या अंतर हमारा पास से चलने वाला है। तुमने तारे ठीक पा 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 मा तुमने तारे फिर लाखों प्राणी लाखों लाखों मापधा लाखों प्राणी प्राणी पापे प्राणी पापा तो तुमने तारे फिर लाखों में लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है ये संतों मामा गा ये संतों की में हम जाएंगे गारे की वाणी है वाणी है वाणी है रे गामा और जो दूसरी लाइन चलने वाली है अंतरे की वो सेम ऐसे ही चलने वाली है क्या तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है और अब आता है अंतरे का जो दूसरा तरीका है। ये तो हो गया उसके लिए नेक्स्ट लाइन लेकर के यही ये दुनिया दीवानी है इसी को बोलेंगे दूसरे तरीके से ये दुनिया दीवानी है ये दुनिया रे 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 गा दीवानी है तो दीवानी है दीवानी है रे रे सा 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 ठीक। और यहीं से फिर हम अपने स्थाई को लेकर के चलना शुरू कर देंगे क्या भाव से तेरी पूजा रचाऊं जीवन में मंगल होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो बाकी के जो अंतर हैं सेम ऐसे ही प्ले होने वाले हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।